हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोंडा गांव छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अगस्त को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने आज जिला कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कोंडागांव से जिला ब्यूरो चीफ हरीश कुमार देवांगन की खास रिपोर्ट। श्री प्रकाश चंद सेठिया, जिला प्रवक्ता चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ कोंडागांव। ठीक है, बताएंगे आज जिला कार्यालय आना हुआ है, किस मांग को लेकर पहुंचे हैं आप? हम लोग इस संबंध में आए हैं कि 22 तारीख को प्रांतव्यापी निर्देश अनुसार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना है, जो 2018 में छत्तीसगढ़ शासन कांग्रेस सरकार बनी है, उन्होंने वादा किया था कि हमारे जितने दैनिक वेतन भोगी साथी हैं और हमारा जो वेतन विसंगति है उसको हम दूर करेंगे, सरकार में आने के बाद 10 दिन में आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। उस समय भी हम हड़ताल में बैठे हुए थे, तो इन लोगों ने पंडाल में आकर, चाहे कवासी लखमा हो, टी ए सिंहदेव जी हो, आज जो पदों पर आसीन है, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन में आपकी सभी मांगों को, वेतन विसंगति की बात हो चाहे नियमितीकरण की बात हो, 10 दिन में सभी चीज़ को पूरा किया जाएगा। आज 5 वर्ष बीतने को है, सरकार का भी दिन आ गए, अब जाने को है, तो इनको याद दिलाने के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो 31 अगस्त को मंत्रालय में मंत्रालय घेराव का आयोजन किया जाएगा प्रांत स्तर पर, उसके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल का ये किया जाएगा। मुख्य मांगे क्या बताया थे? मुख्य मांग हमारा एक है कि हमारे जो साथी हैं 1997 के बाद बचे दैनिक वेतनभोगी साथी हैं, उनको नियमितीकरण किया जाए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था कि हम सरकार में आते साथ ही सबसे पहले दैनिक वेतनभोगी जो साथी हैं उनको नियमित करेंगे। ठीक,